आज की किस्त हाजिर खिदमत है। आप यहाँ तक तो सुन ही चुके हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई तो फिर दुनिया की कोई ताकत मुझे तुमसे अलग नहीं कर पाएगी। तुम खुद भी नहीं, अगर मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई ना तो तुम्हारी ज़िंदगी में सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रहेगा। तुम हर रोज़ पछताओगी मुझसे मोहब्बत करने पर, लेकिन तुम्हारे पास राह फरार नहीं होगा। वो बोलते बोलते सोफे से उठा और दूसरे कमरे में चला गया। अंदर से दरवाजा बंद करने की जोरदार आवाज आई थी, जबकि कमरे के बाहर रूह साकित खड़ी उसके लफ्जों को मानी दे रही थी। उसके अल्फाज अभी तक उसके दिमाग में घूम रहे थे। कितने मान से उसने पूछा था, क्या आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? उसने साफ लफ्जों में कह दिया, नहीं। उसके फक्त एक लफ्ज ने उसे कितना दुख दिया था। वो सारी रात सो नहीं सकी, वो दाएं से बाएं चक्कर लगाती रही। कल रात कितने दावे से उसने कहा था वो दुआओं में उसे हासिल कर लेगी, और उसे यकीन था कि दुआ सब कुछ बदल देती है। वो इस शख्स को उससे नहीं मांगेगी, वो इस शख्स को अल्लाह से मांगेगी और अल्लाह उसे ज़रूर देगा। वो जब से यहाँ आई थी उसने हर चीज़ बहुत नोट की थी। वो उससे बहुत खिंचा खिंचा रहता था, वो उसे हाथ तक नहीं लगाता था, बात भी खासा दूर बैठकर करता था, अलग कमरे में रहता था। लेकिन कल रात वो उसे अपनी बाहों में उठाकर अंदर लेकर आया था। सोचते सोचते शर्मीली सी मुस्कुराहट ने उसके लबों को छुआ। जो भी था, जैसा भी था, वो उसकी फिक्र करता था। उसकी नींद में होने के ख्याल से भी वो उसे उठाकर ले आया था, लेकिन वो उससे मोहब्बत नहीं करता था। एक बार फिर से उसके चेहरे पर उदासी छा गई। हाँ तो इतनी जल्दी मोहब्बत थोड़ी ना हो जाएगी, मोहब्बत होने में तो बहुत वक्त लगता है। लेकिन मुझे तो वक्त नहीं लगा, अपने ख्यालों में सोचते हुए अचानक एक सोच पर वो रुकी। उसे वक्त नहीं लगा था, मतलब उसे मोहब्बत हो चुकी है। क्या वो उस शख्स से मोहब्बत करने लगी है? टहलते टहलते वो खामोशी से अपने नरम गरम बिस्तर पे बैठी। हाँ, वो शख्स उससे बात बात पर थप्पड़ नहीं मारता था, उससे गधों की तरह काम भी नहीं लेता था, बात बात पर उसे ताने नहीं मारता था, उसे मनहूस नहीं कहता था, उसे सोने के लिए कितने नरम मुलायम बेड दिया हुआ था। उसकी बहनों ने कभी ख्वाब में भी ऐसा बिस्तर ना देखा होगा जहाँ वो पिछले दो रातों से आराम करती थी। और सबसे ख़ास बात, फातिमा बीबी ने कहा था कि शौहर से मोहब्बत होने के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता, वो तुम्हारा महरम है, खुद ही तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना लेगा। और उसने बना ली। वो कमली सी लड़की उस शख्स से मोहब्बत कर बैठी थी ये जाने बगैर कि जैसे वो अपना शौहर अपना महरम समझती है, वो एक दरिंदा है। सुबह फजर के वक्त वो अपने कमरे से बाहर निकला। उसका इरादा रूह के उठने से पहले ही चले जाने का था। वो अब मजीद उसके करीब नहीं रहना चाहता था, वो उससे फासले को कायम रखना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि जिस दावे से कल रूह ने कहा है वो उसे दुआओं में हासिल करेगी। और सच तो ये था कि वो नहीं चाहता था कि रूह को उससे मोहब्बत हो जाए, क्योंकि औरत अपने दिल में किसी आदमी को एक ही बार जगह देती है, वो अपने दिल के दरवाजे एक ही बार खोलती है सिर्फ एक शख्स के लिए, और मरते दम तक उसी से मोहब्बत करती है। उसको अपने शौहर के पास चले जाना था, वो किसी और की जगह नहीं ले सकता था। वो अपने कमरे से बाहर निकला। जब नज़र सामने ज़मीन पर सोफे के साथ बैठी रूह पर पड़ी, वो जाय नमाज बिछाए बैठी दुआ मांग रही थी, मतलब वो नमाज अदा कर चुकी थी, वो उसकी आहट महसूस कर चुकी थी, तो इस तरह से जाना बेकार था। वही उसके करीब सोफे पर आकर बैठ गया, लेकिन उसने सोचा था कि जितनी जल्दी ये दुआ ख़त्म होगी, इतनी जल्दी हुई नहीं थी। वो दुआ से फारिग होकर उठी। 5 मिनट की नमाज पढ़ते हो?
तुम लोग और 15 मिनट की दुआएं मांगते हो, वो हंसते हुए बोला। उसकी बात सुनकर वो भी मुस्कुराई। मैं उससे पहले ज़्यादा दुआएं नहीं मांगती थी, लेकिन अब मैं बहुत लंबी लंबी दुआएं मांगती हूँ। मुझे अल्लाह से बहुत कीमती चीज़ चाहिए, और कहते हैं ना कि चीज़ जितनी कीमती हो इतनी ही लगन से मांगनी चाहिए। वो चाय नमाज समेट कर एक तरफ रखते हुए बोली, ऐसी कौन सी कीमती चीज़ है जो तुम खुदा से मांग रही हो? अंदाज इतना खूबसूरत था कि वो पूछे बिना नहीं रह सका। आप एक लफ्जी जवाब आया, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। वो वाकई ही नहीं समझा था, मतलब मैं आपको मांग रही थी। मैंने कहा था ना, कल रात आपसे मैं अल्लाह से दुआ करूंगी आपको मुझसे मोहब्बत हो जाए। इतनी कीमती चीज़ मांग रही हो खुदा से, वक्त तो लगेगा ही ना, वो मासूमियत से कहती। उसके दिल की दुनिया हला गई थी, लेकिन उसके बारे में भी मशहूर था कि डेविल अपने सीने में दिल नहीं रखता था। अगर दिल ही ना था तो फिर दिल के दुनिया के हिलने का क्या डर था। लेकिन अगले ही पल सोचों में डूबे हुए यारम को अपने चेहरे पर नरम गरम हवा महसूस हुई। ये कौन सा तिलसम फूंक रही हो तुम मुझ पर? उसे खुद पर फूंक मारते देखकर उसने पूछा, अरे तिलसम नहीं फूंक रही हूँ, दुआ मांग रही हूँ ताकि आपको किसी की नज़र ना लगे, लड़कियाँ आपसे दूर रहें, खैर से जाएं और खैर से आएं, बाकी कुछ नहीं। लेकिन ये लड़कियाँ दूर रहने वाली बात पर यारम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी, और उसका मुस्कुराता चेहरा देखकर रूह पर भी ये राज खुला था कि वो एक नहीं बल्कि दो दो डिंपल्स का मालिक था। वो बिना उससे कुछ बोले बाहर के दरवाजे की तरफ जाने लगा। जब आवाज़ आई, फी अमानिल्ला, एक बार फिर से मुस्कुराहट खिली थी। अल्लाह हाफिज़, ये दो लफ्ज़ उसने बहुत अरसे बाद इस्तेमाल किए थे। दुबई जैसे इस्लामिक मुल्क में रहने के बाद भी लोग यहाँ अंग्रेज़ों का तर्ज ज़िंदगी अपनाते हुए आए थे, लेकिन आज इतने दिनों के बाद किसी को अपने सामने नमाज पढ़ते हुए देखकर उसे याद आया कि वो भी मुसलमान हैं। उसके सिर्फ अल्लाह हाफिज़ कहने पर वो ऐसे शर्माई थी जैसे खुदा न खास्ता उसने कोई रोमांटिक बात की हो। डेविल, मैंने उस लड़की के बारे में सब कुछ पता करवा लिया है। वो जिस जहाज़ से आई थी उसकी सीट, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, असल में वो लड़की कोई और लड़की है जिसका कार्ड उसने यूज़ किया है। उसका निकाह हुआ था मोबाइल फ़ोन पर, शेख रमीज़ उसका शौहर है, और मैंने उस लड़की का सारा बायोडाटा भी निकलवा लिया है। इसका घर कहाँ है, कहाँ रहती है, उसके घर में कौन कौन है, मैंने सब कुछ पेपर्स में लिख दिया है। लैला तेज़ तेज़ उसके साथ चलती हुई पेपर्स उसके सामने करती हुई बता रही थी। यारम ने वो कागज़ उसके हाथ से लिया और कई टुकड़े कर डाले। तुम लोगों को एक बार मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? लैला, मैंने कहा ज़रूरी काम पर ध्यान दो, और ये लड़की हमारा काम नहीं है। कागज़ को टुकड़ों की शक्ल में देते हुए उसे लैला के हाथ पे रखा था, जबकि लैला फटी फटी आंखों से उसे अपना हाथ देख रही थी। डेविल, मैंने इतनी मेहनत से, बेहतर होगा अपनी मेहनत ज़रूरी काम पे सर्व करो, और आइंदा मैं ये फजूल काम के करते ना देखूं। तुम्हें इस पर सख्त निगाह डालता हुआ वो अपने कमरे में चला गया। रूह खाना बना के फारिग हुई तो आकर सोफे पर बैठी। यारम ने उसे आगे पीछे कहीं भी जाने से मना कर दिया था, जबकि ये फ्लैट हर तरफ से बंद था। उसे पहली नज़र में ये फ्लैट जितना खूबसूरत लगा था अब उसे इतना ही बुरा लग रहा था। वो खुले माहौल में रहने की आदी थी और यहाँ सब कुछ बंद। उसे फ़िलहाल एसी भी अच्छा नहीं लग रहा था, और ना ही ये फ्लैट। उसे अजीब सी घुटन हो रही थी। यहाँ बहुत देर सोचने के बाद वो फ्लैट से निकली। बिल्डिंग के सामने पार्क था। उसका इरादा कुछ देर वहीं जाकर बैठने का था। अकेले में उसे डर तो बहुत लग रहा था,
لیکن اس جگہ اس نے ساری زندگی گزارنی تھی، اس طرح سے ڈرتے ڈرتے تو وہ گزار نہیں سکتی تھی۔ اور یہاں پارک میں بہت ساری عورتیں موجود تھیں۔ وہ فلیٹ لاک کر کے اس پارک کے ایک بینچ پر جا بیٹھی۔ تھوڑی دیر تازہ ہوا لینے کے بعد اب اس کا واپس جانے کا ارادہ تھا، جب اچانک گولیاں چلنے کی آوازیں آنا شروع ہوئی۔ ایک آدمی بھاگتے ہوئے تیزی سے اس کے پاس سے بھاگتا آگے بڑھ گیا، جبکہ مکمل کالے یونیفارم میں پولیس اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ گھبراہٹ کے مارے اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ یقیناً وہ کوئی چور تھا جو پولیس سے بھاگ رہا تھا، لیکن پولیس ایسے پبلک پلیس پر گولیاں تو نہیں چلا سکتی۔ تو کیا وہ کوئی قاتل تھا، کوئی خطرناک ترین مجرم جس کا گرفتار ہونا بہت ضروری تھا؟ ابھی تھوڑا ہی آگے بھاگا تھا جب پولیس نے اس کی ٹانگ پر گولی مار دی اور وہ وہیں لیٹ گیا۔ سارے لوگ جلدی سے وہاں جمع ہونے لگے، وہاں جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن پارک میں اب کوئی بھی موجود نہ تھا۔ بلڈنگ کے آس پاس کا سارا ایریا ویران ہو چکا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے اس جگہ پر چلی گئی جہاں اس چور کو گولی لگی تھی اور پولیس اسے گرفتار کر چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی بالکل ان لوگوں کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ پولیس والے اس آدمی کو دبوچے زمین سے لگائے ہوئے تھے، جبکہ وہ مسلسل ہل رہا تھا۔ انسپیکٹر سارم تیزی سے اس کے قریب آیا۔ ڈیول کے آدمی ہو نا تم، جلدی بولو، اس نے بھیجا تھا تمہیں رستم کو مارنے کے لیے؟ وہ اردو میں اس سے پوچھ رہا تھا، شاید آگے پیچھے کے لوگ نہ سمجھیں اس لیے۔ میں کسی ڈیول کو نہیں جانتا، چھوڑو مجھے، وہ غصے سے غرایا۔ ہاں بالکل، تم کیسے کسی ڈیول کو جانتے ہوں گے، تم تو اس کے وفادار آدمی ہو، ڈیول کے تو سبھی آدمی اس پر جان دیتے ہیں، لیکن افسوس تم پولیس کی گولی سے مرو گے۔ اگلے ہی لمحے سارم نے ریوالور کی نوک اس کے سر پر رکھ دی، لیکن اس سے پہلے کہ ریوالور کی گولی چلتی، اس آدمی نے اپنی گردن میں لٹکا ہوا ہڈی نما پینٹ اپنے منہ میں ڈال دا۔ روح کو کچھ سمجھ نہ آیا، پتہ چلا تو اتنا کہ اس ہڈی میں تو زہر تھا۔ اب وہ آدمی مر چکا ہے۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنی نگاہوں کے سامنے کسی کو یوں مرتے دیکھا تھا۔ اس کے کانپتے ہاتھ پیر اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ زمین بوس ہو گئی۔ آپ دوسرے کمرے میں کیوں سوتے ہیں، اس نے پوچھا۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ اچانک چونکا تھا، پھر سنبھل کر بولا، میں تمہیں وقت دے رہا ہوں اس رشتے کو سمجھنے کے لیے۔ ایک انجان شخص کے ساتھ ساری زندگی گزارنا بہت مشکل ہے روح، میں نہیں چاہتا کہ تم میرے ساتھ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا کرو۔ جہاں خوشیاں ہوں وہاں سمجھوتا نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے پہلے محبت کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کھانا تو کھلا دیا، ایک کپ چائے ملے گی؟ یارم نے اسے موضوع سے ہٹا دیا۔ میں پہلے نماز ادا کر لوں، اس نے پوچھا، وائی ناٹ۔ وہ اٹھ کر وضو کرنے چلی گئی تو یارم نے اپنا لیپ ٹاپ اٹھا لیا۔ وہ تقریباً 5 منٹ میں نماز پڑھ کر فارغ ہوئی اور اس کے لیے چائے بنا کر لائی۔ یہ کیا، آج تمہاری نماز اتنی جلدی کیوں ختم ہو گئی، دعا نہیں مانگی کیا؟ اس نے چائے کا کپ تھامے ہوئے پوچھا۔ چائے بنانی تھی نا، اسی وجہ سے۔ دعا مانگتی رہا کرو، دعاؤں میں بہت اثر ہے، وہ مسکرا رہا تھا۔ آپ مسکراتے ہوئے بہت پیارے لگتے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کے دونوں گال پہ ڈمپلز ہیں، اس نے ایکسائٹیڈ ہو کر اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ کیا بات کر رہی ہو، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ کھل کر ہنسا تھا۔ آپ ایک ڈمپل مجھے دے دینا۔ ہاں ہاں تم دونوں رکھ لو، آپ مسکراتے ہوئے بہت پیارے لگتے ہیں، ماشاءاللہ، اس نے کھل کر تعریف کی تھی۔ بس تمہاری صدقہ جاریہ والی بات پر عمل کر رہا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اچھا میں اب سونے جا رہی ہوں، روح نے اٹھتے ہوئے کہا اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ سنو، اس نے پکارا۔ جی، وہ پلٹی تھی۔ دعا مانگتی رہا کرو، وہ مسکرا کر بولا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔
यारम से किसी ने सवाल पूछने की हिम्मत ना की और ना ही वो किसी को जवाब देना ज़रूरी समझता था। हाँ, लेकिन लैला उसे घूरे जा रही थी, जिसका इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। इंस्पेक्टर साहब ने नहीं कहा कि कुछ भी। मेरे जाने के बाद उसने खुद ही बात शुरू की। नहीं, तुम्हारे जाने के बाद वो भी निकल गया था, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तुमने सारम के सामने झूठ क्यों बोला? जानते हो, जब वो लड़की चली जाएगी तब हमारे खिलाफ गवाही दे सकती है, और अगर उसने गवाही ना भी दी तब भी बुरी तरह फंसाएगी। बात की बाद में देखी जाएगी, फिलहाल तो वो यहीं है हमारे साथ। कल हमारा एक आदमी मारा गया, वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था, उसने खुदकुशी कर ली। उसके घर वालों को एक मोटी रकम भेज दो और अफसोस के लिए भी चले जाना, मुझे ज़रूरी काम है, वरना मैं खुद भी चला जाता। तभी शारफ कमरे में दाखिल हुआ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा यार, इस तरह से किसी के मरे हुए घर वालों को देखकर मुझे बहुत अजीब लगता है, अफसोस होता है। जब वो लोग अपने बिछड़े हुए को रोते हैं, वो बेचारा तो हमारे साथ काम करते करते ही मारा, शायद अब वो लोग हमें कसूरवार समझ रहे होंगे। उसे 4 साल पहले सजाए मौत सुनाई गई थी, यानी कि फांसी, तब उसे मैंने ही बचाया था। अगर वो तब मर जाता ना तो उसके घर वाले 4 साल से रो रहे होते, लेकिन अब वो अच्छे अल्फाज में याद करके रो रहे होंगे, और उसने अपनी फैमिली के लिए इतना कुछ किया है। वो अपनी ज़िंदगी की उम्मीद पहले ही खो चुका था, उसके अंदर जीने की ख्वाहिश वैसे भी नहीं थी, लेकिन वो मेरे साथ काम करना चाहता था, मेरे लिए कुछ करना चाहता था। वो अच्छा था, लेकिन एक मशीन से कम ना था। मैं ये नहीं कहता कि मुझे मेरी टीम में जिंदा दिल लोग चाहिए, लेकिन ऐसे अधमरे लोगों के लिए भी मेरी टीम में कोई जगह नहीं है। तुम दोनों जाओ, उस नई लड़की को भी अपने साथ ले जाओ। जब से आई है उसने कोई काम तो कुछ भी नहीं किया, जबकि अपना फैसला सुना चुकी है, वो यहाँ से वापस नहीं जाने वाली। खिजर ने उसकी बात मुकम्मल की। अच्छी लड़की है वो, शार्फ मुस्कुराया था। वो सिद्दीक की बेटी थी शार्फ, खिजर ने गुस्से से कहा, क्योंकि वो उसकी रंगीन तबीयत से अच्छे से वाकिफ था, लेकिन फिर भी वो इतना गिरा हुआ तो हरगिज ना था कि सिद्दीक की बेटी के साथ कुछ ऐसा वैसा करता। वो तो उन लड़कियों के पास जाता था जो खुद ही उसे वेलकम करती थीं। सारा दिन रूह बस एक ही बात सोचती रही, वो आदमी जो उसके सामने मरा था, उसने डेविल का नाम लिया था। पुलिस वाले ने उससे पूछा था, क्या डेविल का आदमी है, क्या उसके लिए काम करता है? तो उसने इनकार कर दिया था, तो उसका कहना था कि वो किसी डेविल को नहीं जानता। और फिर जब उसने इस पुलिस वाले के सामने डेविल का नाम लिया था, वो कैसे अजीब नज़रों से उसे घूरने लगा था, लेकिन फिर ये भी तो कहा था कि वो ना जाने किस डेविल की बात कर रही है। वो तो एक ही डेविल को जानता है, लेकिन ये बात तो ठीक हो गई, इंस्पेक्टर उसके शोहर को जानता था और उसे इस तक पहुंचा दिया। उसे इस इंस्पेक्टर को थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए, लेकिन ये तय था कि अब वो घर से निकलने की गलती कभी नहीं करेगी। ना जाने कितने परेशान हुए होंगे, ये मेरे पीछे ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढा होगा मुझे। मैं भी ना बेवकूफ़ों की तरह उठकर चल दी। आज क्या बनाऊँ उनके लिए, वो फ्रिज खोले हुए सोच रही थी, जिसके अंदर सब सामान मौजूद था। सर, यहाँ सिगरेट पीना अलाव नहीं है, पेट्रोल पंप का वर्कर्स उसके करीब आकर बोला। क्यों? पेट्रोल पंप में आग लग सकती है, उसने बताया, और तुमने जो किसी की ज़िंदगी में आग लगाई है उसका क्या क्या मतलब है आपकी इस बात का, वो आदमी गुस्से से बोला था। 13 साल की बच्ची के साथ ज़्यादती करके तुमने उसकी ज़िंदगी को आग ही तो लगाई है। उस लड़की का मेरे साथ
अफेयर चल रहा था। रोज़ गिफ्ट और पैसे मांगती थी मुझसे। इतनी छोटी बच्ची नहीं थी कि जितना तुम लोग समझ रहे हो। मैंने बस अपनी दी हुई रकम वसूल की है और वैसे भी कोर्ट से बाइज्जत बरी हो चुका हूँ। वो आदमी बोले ही जा रहा था जब उसने अपने पेट पर कुछ महसूस किया और फिर दर्द से बिलबिला उठा। कोर्ट से तुम बरी हो चुके हो लेकिन डेविल की अदालत में नहीं। और कोई भी जिनाकार डेविल की अदालत से इस तरह से बरी नहीं होगा। डेविल की अदालत इस गुनाह की सज़ा सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत है। पेट्रोल होल्डर से पेट्रोल का पाइप निकाला, वो दर्द से बिलबिलाते हुए आदमी के मुंह में डाल दिया था। तुम जानते हो वो लड़की खुदकुशी कर चुकी है, उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। तुम जैसे इंसान के लिए, तुमने कहा एक 13 साल की बच्ची तुमसे तोहफे और रकम लेती थी, लेकिन मेरी नज़र में वो एक छोटी बच्ची थी। पेट्रोल इस आदमी के अंदर तक जा चुका था, सांसें फूलने लगी थी, लेकिन यहाँ सांस लेने की इजाज़त दे कौन रहा था। इंसाफ था डेविल का इंसाफ हर जिनाकार के लिए। उसने एक झटके से ज़मीन पर फेंका और अपनी जेब से सिगरेट निकाला, माचिस की तीली से अपना सिगरेट जलाया और वही जलती तीली इस आदमी पर फेंक दी और एक लम्हा जाया किए बगैर वहाँ से निकल गया। उसे ना इस आदमी से मतलब था और ना ही इस पेट्रोल पंप से। उसे आज ही पता चला था कि इस पेट्रोल पंप में वो अकेला नाइट ड्यूटी करता है, वरना उस काम के लिए उसे कोई और जगह का इंतखाब करना पड़ता। वो घर आया तो शर्ट पर खून के धब्बे थे, शायद इस आदमी के पेट पर ब्लेड चलाते हुए लगे थे। उसने घर जाते ही कपड़े चेंज करने के लिए अपने कमरे का रुख किया, लेकिन रूह उसे देख चुकी थी। वो फौरन दौड़कर उसके पास आई। क्या हुआ है आपको, ये खून कहाँ लगी आपको चोट? आपको एक पल में उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे चोट नहीं लगी है, वो एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया था रास्ते में, उसे अस्पताल पहुंचा रहा था, शायद कपड़ों पर धब्बे लग गए। आप ठीक हैं, वो रोते हुए पूछ रही थी। वो मुस्कुराया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चेंज करके आता हूँ, फिर इत्मीनान से देख लेना। उसका गाल थपथपाकर अपने कमरे में चला गया। जबकि रूह एक बार फिर से जायनमाज पर बैठ गई। वो कमरे से बाहर निकला तो उसे नमाज अदा करते हुए देखा। ये लड़की क्यों मुझे इतना गुनाहगार कर रही है, वो सोचते हुए सोफे पर आ बैठा। डेविल ने अपने ऑफिस में ऐलान किया था कि आप यहाँ पर रूह का जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। वो जहाँ है बिल्कुल ठीक है, जब उसके घर वालों का पता चल जाएगा उसे भेज दिया जाएगा। इस बात से लैला की परेशानी और बढ़ने लगी थी, लेकिन अब ऑफिस में उसका जिक्र करना भी मना कर दिया गया था, जबकि लैला को उसके घर जाने की भी इजाज़त ना थी। डेविल का कहना था कि सब अपने अपने काम पर ध्यान दो, जबकि खिजर को एक ही परेशानी खाए जा रही थी। आखिर वो घर वालों का पता क्यों नहीं करवा रहा है, क्यों नहीं करने दे रहा है? लेकिन फिर भी खिजर चुप ना रहा। वो यारम से छुपकर रूह के घर वालों को ढूंढने लगा, लेकिन ये बात भी डेविल से छुपी ना रह सकी। आज नहीं तो कल इस लड़की ने चले जाना है। इस लड़की के घर वालों का पता करना चाहिए, वो किसी की बीवी है। अगर मुझे लगा कि ऐसा करना चाहिए तो मैं खुद कर लूँगा। तुम अपने काम पर ध्यान दो, उसके अंदाज में गुस्सा देख कर वो भी खामोश हो गया था। एक महीना गुजर चुका है, रूह उसका सारा काम अपने हाथ से करती थी। यारम ने अपना घर बदलवाने के बारे में सोचा तो उसने कहा कि वो यहीं पे ठीक है। यारम ने उसे बाहर पार्क में बैठने की इजाज़त दे दी, लेकिन वो उन औरतों से बातें नहीं कर सकती थी। लेकिन फिर भी अगर वो सामने आ जाएं तो हाल खैरियत पूछ लेती थी। लेकिन यारम से छुपकर शार्फ और खिजर हर दूसरे तीसरे दिन उसके हाथ का बना हुआ खाना खाने आ जाते थे, जबकि लैला को यहाँ आने की इजाज़त ना थी।
اس نے ڈیول والی بات کا ذکر بھی اس کے سامنے کیا تھا۔ جب اس نے کہا کہ یہاں ہر کوئی اپنے آپ میں ایک ڈیول ہے، ڈیول مطلب؟ روح نے پوچھا۔ ڈیول مطلب شیطان، یارم نے بتایا۔ استغفر اللہ، آپ کوئی شیطان تھوڑی ہیں؟ اس کی بات پر چہرے پر ذرا سا ڈمپل نمایاں ہوا، پھر غائب ہو گیا۔ میرا نام یارم ہے، یارم کاظمی، تم مجھے یارم کہا کرو۔ میں کیسے آپ کو یارم کہوں؟ وہ شرمائی تھی۔ کیوں نہیں کہہ سکتی؟ یہ میرا نام ہے، وہ پوچھنے لگا۔ آپ کے نام کا مطلب؟ وہ کچھ بولتے ہوئے خاموش ہوئی۔ ہاں بولو، نام، میرے نام کا مطلب؟ دلبر، محبوب، سنم ہے نا؟ وہ اس کے چہرے پر شرم و حیا دیکھ کر محفوظ ہو رہا تھا۔